गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंद शहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित चितसोन देहात गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान पुष्पा देवी हैं। लगभग 8000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 4000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 736 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 240 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 120 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 90 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रत्येक गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, बैंक, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारे गांव में जो समस्या है उनको एक में कुछ जगह चाहिए, जैसे कि उसके लिए स्कूल के लिए या उसके लिए अस्पताल के लिए और खेल के मैदान के लिए, शमशान के लिए, पानी की टंकी के लिए, गांव की दोनों तरफ की नालियां बंद हो चुकी है। वो बड़े नाले चाहिए जो जिनमें पानी नहीं जाता है और ये विरोधी निकलने भी नहीं देते हैं, जहाँ के भी तो वो विरोधी निकलने भी नहीं देते। गांव में स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, गरीब लोग है वो अपना गांव में ही इलाज करा सके। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है सदर अस्पताल, वहाँ पे भी भीड़ काफी रहती है, इसलिए उसका अभाव रहता है, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है। और एक हमारे गांव में बैंक की आवश्यकता है, हमारे गांव 3-4 गांव से जुड़ा हुआ है, हमारे गांव से बैंक दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वहां पे खाते दरार ज्यादा है, इसको वजह से गांव के लोगों को परेशानी होती है। शमशान घाट दर्द अवस्था में बहुत बहुत ऊंची घास पड़ी है, कोई समस्या ही नहीं है शमशान घाट की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था की जाए। टंकी का प्रस्ताव हो गया है, सर्वे भी हो चुकी है, लेकिन शासन स्तर से ही उसमें कोई कमी आ रही है जिससे कि टंकी नहीं लग पा रही है। यही बात है रहने के लिए, इसमें रह रही है। यहीं पर नहाते हैं। दिखा दो है वो, आए तो घूम जाओ। मकान के लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट डाली है, बीडीओ साहब के यहाँ, एडीओ साहब के यहाँ, लेकिन सभी ने पात्र कर देते, कहते हैं कि इनके पास मकान है, मकान कुछ भी नहीं है, मकान है इसमें कैसे रहें, इसमें छत नहीं है, पानी भर जाती है और पानी भर जाते हैं इसमें। ये कहते हैं कि 30,000 ईंट है इनके पास, ईंट है तो ईंटों में रहना थोड़ी जाएगा, रहने के लिए तो मकान चाहिए, मकान बनेगा तभी तो रहेंगे। और जगह इनके पास है लेकिन मकान की व्यवस्था नहीं है, मकान के बिना ये बहुत परेशान है, इनकी समस्या का समाधान जैसे भी उसे दिया जाए, जैसा ही मकान दिखाई दे रहा है इसमें बताओ कैसे रहेंगे। इनके लिए और जो सुविधा थी राशन कार्ड की, गैस की और जो सारी सुविधा वो करा दी, लेकिन अपात्र के इसके मामले, मकान के मामले में अपात्र बता देते हैं, जबकि विधवा हैं, इनके एक बच्चा 9 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है, उसको पढ़ाने के लिए फीस भी हो जाए वही काफ़ी है इनके पास, तो इनके पास कहाँ से मकान के लिए पैसा आएगा।